वो हमें छोड़ के गई, इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आकाश हॉस्पिटल है। और ये परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। पुलिस लेके गए होंगे, जो आया वो लेके गई, लेके गई होंगी, इन्हें पता ही नहीं कि लेके कौन गया है यहाँ से। ये देखिए हाथापाई, ये देखिए पुलिस किस तरीके से हाथापाई कर रही है, इंसाफ तो दिला नहीं पा रही है, लेकिन हाथापाई जरूर हम सामने कैमरे में देख सकते हैं। मुझे केजरीवाल जी का जवाब चाहिए कि वो क्या इसके खिलाफ अगेंस्ट कार्रवाई करेगी। जब तक कोई नहीं आ जाता मैं यही बैठी रहूंगी। जब पुलिस प्रशासन नेता बिक जाए तो इंसान को रोड पे उतरना पड़ता है। कई किलोमीटर तक का ट्रैफिक लग चुका है, पुलिस भी रोक रही है। अब कहा गया केजरीवाल, कहाँ बैठा है? बैठा होगा कहीं नेतागिरी में, ऐश कर रहा होगा, वोट मिल गया, ऐश ले रहा है। पुलिस वाले भी सकाश हॉस्पिटल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चुपचाप खड़े हैं। देखो मिकास जी की बात पे विश्वास करो, सरकार नहीं बोल रहा, लेकिन सेटलमेंट कर लो। किस चीज की सेटलमेंट कर ले? बंदा दे दो, हमारा सेटलमेंट को तैयार है हम। पुलिस के पास जाती हूँ, पुलिस 3 महीने हो गए, पुलिस भी नहीं सुनती। कंप्लेंट करी, पुलिस वालों के पास जाते हैं, पुलिस वाले कुछ नहीं कार्रवाई करते। नमस्कार, मैं दिव्या, और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 3 हॉस्पिटल, आप पीछे मेरे देखेंगे आकाश हॉस्पिटल है, इसी हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त हम लोग खड़े हैं। और यहां से एक मामला सामने आया है, आप सभी जानते हैं कि जब अचानक से सड़क पर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उस दौरान दिल्ली सरकार की एक योजना आई है जिसका नाम है दिल्ली के फरिश्ते। उस योजना के तहत आपका इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त में किया जाता है, लेकिन इतने बड़े अस्पताल की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि एक पेशेंट को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए यहां से उठाकर सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया और वहां पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। आपको पूरी कहानी बताएंगे, क्या कुछ उस महिला के साथ हुआ है जिसके पति आज उनके बीच में नहीं रहे हैं, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, उस परिवार से जुड़ेंगे, आपको सब कुछ दिखाएंगे। सोचिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी जिस परिवार के इंसान का बीच सड़क पर एक्सीडेंट हो गया हो और अस्पताल ने अपनी लापरवाही साफ तौर पर जाहिर की हो, उस पेशेंट का इलाज ना किया हो और उसको वहां से उठाकर सरकारी अस्पताल में भेज दिया हो, और सरकारी अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही वहां से भी निकल कर आ रही है कि उन्होंने उस पेशेंट को अनदेखी कर दी और उस पेशेंट की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बेहद हैरान करने वाला मामला है। एक बार उस परिवार से जुड़ेंगे, उस पत्नी से जुड़ेंगे जिसका नाम प्रीति है, और आपको पूरी जो रिपोर्ट है वो दिखाएंगे। और जिस महिला के पति के साथ ये सब कुछ हुआ है वो महिला हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम प्रीति है। आपके हस्बैंड को आपने एडमिट कराया था, क्या कुछ हुआ था सब कुछ बताइए। मेरे साथ मैम ये हुआ था, एक्चुअली द्वारका सेक्टर 3 में यही मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। तो जहाँ उस टाइम जो लोग वहाँ मौजूद थे वो मेरे हस्बैंड को इस हॉस्पिटल में लेके आए, द्वारका सेक्टर 3 के इसी आकाश, इतना बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे। इन्होंने क्या किया, सिर्फ 1.25 घंटे मेरे हस्बैंड को अपने हॉस्पिटल में रखा और यहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल भिजवा दिया, बिना किसी को सूचित किए, बिना किसी को बताया ये चीज। और जब हम लोगों को 3 घंटे बाद करीबन पुलिस वालों को कॉल आया एक्सीडेंट हो गया, हम लोगों को पता ही नहीं था मेरे हस्बैंड है क्या। मेरे हस्बैंड, हम लोग सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचे, हमने यहाँ कॉल करके पहले तो पूछा कि मेरे हस्बैंड एक्चुअल है कहाँ, तो वो कह रहे सफदरजंग हॉस्पिटल है। वहाँ पहुंचे तो वो दर्द में पड़े, इमरजेंसी डोर पे अकेले तड़प रहे थे, इन लोगों के अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं थी, वो उनको एडमिट भी करवा के आते। और जब इन्हें पता था कि पेशेंट इतना ज्यादा क्रिटिकल है कि टाइम पे इलाज नहीं मिला तो उस पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है, उसके बावजूद इन्होंने इतनी घिनौनी हरकत की। 2 दिन वहाँ पे वो रहे, मतलब जब तक वहाँ ट्रीटमेंट चालू होता डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि बॉडी मूवमेंट बंद कर चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर्स ने इस चीज के लिए जवाब दे दिया। 2 दिन बाद वो हमें यहाँ से छोड़ के चले गए। मैं इनके पास आती हूँ, इनसे कहती हूँ कि आपने इलाज क्यों नहीं किया, तो ये कहते हैं कि हमारे पास बेड नहीं था। मैं कहती हूँ बेड नहीं था तो आपकी लीगल ड्यूटी बनती कि पेशेंट को वहाँ एडमिट करवा के आते, आप छोड़ के क्यों आए इस पेशेंट को? तो इनका कहना है कि हम छोड़ के नहीं आए। तो मैं कहती हूँ कौन छोड़ के आया, तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कौन छोड़ के, हम पेशेंट के आगे पीछे दौड़ना भागते रहेंगे। भाई इतना बड़ा हॉस्पिटल, इनको ये नहीं पेशेंट कोई भी उठा के लेके चले जाएगा। मिलने कहती हूँ तो मुझे धमकी देते, कहते जो करना हो केस मुकदमा कर लो, मैं सबकी सबको देख लूंगा, सबके जवाब दे लूंगा। इनसे भी बात हुई है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, इनको भी उन्होंने यही बोला, मुझे मैंने कहा मीडिया में जाऊंगी तो कह रहे मैडम आप स्वतंत्र हो, जो करना चाहते हो कर लो, इनका ये कहना है मुझे। अब मिलने के लिए नहीं कहते, मैंने एक वीडियो ट्विटर पे डलवाई है। वो हमें छोड़ के गए, इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आकाश हॉस्पिटल है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक योजना है फरिश्ते योजना, उसके तहत अगर किसी भी का एक्सीडेंट होता है तो उनको किसी पास के हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, उसका इलाज मुफ्त करता है हॉस्पिटल। तो जब मेरे हस्बैंड के ना सर में अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी तो आकाश वालों को ये चीज़ पता चल चुकी थी कि इंटरनल ब्लीडिंग है, सीरियस, बहुत जो पेशेंट है बहुत क्रिटिकल है, खर्चा ज़्यादा आएगा, ट्रीटमेंट महंगा है। तो इसी सबसे बचने के लिए उन्होंने आकाश हॉस्पिटल वालों ने सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको भेज दिया। लेकिन ये चीज़ हम जब बाद में उनसे पता करने गए कि आपने ऐसा क्यों किया, चलिए आपके पास बेड नहीं
नहीं था, लेकिन आपकी लीगल ड्यूटी बनती है कि जब आपने उनको रेफ़र किया तो आप उनको वहाँ एडमिट करवा के आते, आप उनको ऐसे दर्द में चढ़पते क्यों छोड़ के आ गए जब आपको पता था सीरियस, इतना पेशेंट सीरियस है, क्रिटिकल है, ब्लड अंदर ब्लीडिंग हुई है, क्लॉट बहुत जल्दी जम जाते हैं, पेशेंट के साथ क्या हो सकता है, तो क्यों ऐसा किया आपने, इसका जवाब दीजिए। तो वो कहते हैं कि हम नहीं उनको वहाँ पे छोड़ के आए, हमें नहीं पता उनको कौन छोड़ के आया। तो हम बोलते फिर बताइए उनको यहाँ से लेके कौन गया, तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि हमें नहीं पता उनको यहाँ से कौन लेके गया, लेकिन ऐसे तो नहीं होता, इतना बड़ा हॉस्पिटल है आकाश हॉस्पिटल, कोई धर्मशाला तो है नहीं कि कोई भी लेके चला जाएगा। ज़्यादा उनसे बोलो तो उल्टा मुझे वो धमकाते हैं, वो कहते हैं कि ज़्यादा कॉल करोगी तो हम पुलिस को कॉल कर देंगे, और जो तुम्हें करना है केस मुकदमा, आप स्वतंत्र हो, वो सब कर सकती हो, हम सब चीज़ का जवाब दे लेंगे। तो जैसे ट्विटर पे रात को वीडियो डाली, उसके बाद मेरे कजन 12-1 बजे मेरे पसंद का आकाश वालों को कॉल आता है, मुझसे कहते हैं कि मैम आपसे मिलना था, जहां मुझसे बात नहीं करते थे, कहते मैं नहीं मिलूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, जो करना हो कर लो, अब मुझसे कहते हैं मैम मिल लो। मैंने कहा मुझे नहीं मिलना आपसे, नहीं मैम मिल लो, उस दिन फोन कट गया तो मैं कटा नहीं था, काटा के अब मिलने के लिए मुझे कह रहे हाथ पे जोड़ रहे हैं। पूरी घटना बता रही है, वो कौन से दिन की है, तारीख क्या थी? ये 2 सितंबर की घटना है, 3 महीने हो गए मुझे इनके आगे पीछे भागते भागते, ये पहले तो मिल ही नहीं रहे थे, पुलिस के पास जाती हूँ, पुलिस 3 महीने हो गए, पुलिस भी नहीं सुनती, पुलिस ये कह देती है हमें कि हमारा डिपार्टमेंट नहीं मेडिकल काउंसलिंग का डिपार्टमेंट है। अब मैं एक हाउस वाइफ हूँ, हस्बैंड मेरे है नहीं, मेरी ये बेटी है, वो मेरा छोटा सा बच्चा है, अब मैं इनको लेके कहाँ भटकू, इधर तो पुलिस का सहारा होता है मेरे पास नहीं है, पुलिस ने हाथ जोड़ दे के हम कुछ नहीं कर सकते। अब मेरे सभी मीडिया वाले से हाथ जोड़ के विनती है कि सभी मीडिया वाला मेरा प्लीज साथ दे और मुझे इंसाफ दिलाए। इन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि योजना है फरिश्ते योजना गवर्नमेंट की, उसके तहत इन्हें फ्री में इलाज करना पड़ता है, इनको पैसा अभी नहीं मिलता, सिर्फ पैसे के लालच में इसने एक इंसान की जान ले ली, पता नहीं कितनों की ली होगी, पता नहीं कितनों की आगे जान लेंगे इस तरीके से। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे चाहे मुझे इस हॉस्पिटल सख्त से सख्त कार्रवाई। एक्सीडेंट हुआ था तो कैसे एक्सीडेंट हुआ आपके हस्बैंड? इनका एक्सीडेंट इसी सर्विस रोड पे यहीं से 5 मिनट की दूरी है, महज यहाँ से एक्सीडेंट हुआ था इनका एक्सीडेंट यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ इनको वो लेडी ही इनको लेके, गाड़ी आ रही थी इनकी, स्कूटी उधर से जाती टक्कर हो गई थी इनकी, और वो लेडी ही यहाँ खुद लेके आई। उस लेडी का कहना है मैं तो लेके गई थी, मैंने बोला इलाज करो, लेकिन इन्होंने साइड से निकलवा दिया, सुब्रगंज भिजवा दिया, हमें बताया भी नहीं, और इनके कारण ही सिर्फ मेरे हस्बैंड गए, जो मैं और मेरे बच्चों की जिंदगी, जो जो लेडी से एक्सीडेंट हुआ वो लेकर आई थी इनको यहां। हाँ बिल्कुल, वो लेके आई थी। उसके खिलाफ FIR कुछ? हाँ उसके खिलाफ FIR दर्ज है हमारी, तो उससे बात करती हूँ तो वो भी यही कहती है कि हम कोर्ट में बात करेंगे। नहीं वो ऐसा हो, क्या पता वो यहाँ से सुब्रगंज लेकर गई हो। नहीं वो लेके नहीं गई एक्चुअली, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था तो जो IO था हमारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है भरत लाल IO का नाम है, वो साथ में था जिनसे एक्सीडेंट हुआ उनके साथ में, वो IO और जो लेडीज के दो घर वाले हैं वो भी वहाँ ढूंढ रहे थे उनको कि एक्चुअली है कहाँ। तो आकाश कॉल किया, आकाश से ही कॉल करके हमें पता चला था, एक नंबर मिला था, उस नंबर पे कॉल किया, जब हमें पता चला कि सफदरगंज हॉस्पिटल में, मैं क्या करूँ अब मैं। आप गई सफदरगंज फिर उसके बाद? बिल्कुल सफदरगंज हम लोग पहुंचे थे, हालत बहुत बुरी थी उनकी, तड़प रहे थे दर्द में, एडमिट भी नहीं थे, ऐसे हमें ना मिलते तो पता नहीं सब क्या होता, इन्होंने बिल्कुल आवर इस तरह उनको छोड़ दिया इस तरीके। वहाँ पर हॉस्पिटल में कोई देखने वाला नहीं था जब इन्होंने, बिल्कुल कोई, जब इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आपको पता है जब इन्होंने एडमिट ही नहीं करवाया तो वो लोग देखते कैसे। अच्छा एक चीज बताइए, अभी इनसे आपने बातचीत करी या नहीं करी? हाँ मैंने फोन पे इनसे बातचीत की, मुझसे मिलने के लिए कहते, वो साफ कह रहे थे मेरे पास हॉस्पिटल की रिकॉर्डिंग है, इनका कहना है कि हमारे पास किसी भी तरीके का रिकॉर्ड नहीं, हमें नहीं पता, पुलिस लेके गए होंगे, जो आया वो लेके गए होंगे, लेके गए होंगे, इन्हें पता ही नहीं कि लेके कौन गया यहाँ से। बिल्कुल रिकॉर्डिंग इतना, पेशेंट गायब हो जाए यहाँ से, धर्मशाला थोड़ी ना हॉस्पिटल है वो, इनका कहना है कि हमें नहीं पता कौन लेके गए, ऐसे की पल्ला झाड़ने वाली बात है ये। तो मुझे अभी हॉस्पिटल से डॉक्टर यहाँ चाहिए, मुझे जवाब चाहिए डॉक्टर्स का कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अब मुझे मिल रहे, मिल रहो, क्यों मिल रहा हूँ जब मैं कहती थी मिल लो जब भी लोग मिले नहीं, अब मैं मिलने आई सबके सामने, मीडिया के सामने, मुझे यहाँ जवाब, अगर ये गलत नहीं है तो मुझे यहाँ जवाब दे दे, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। आप इनकी मम्मी हैं? आपको कब पता चला था ये सब? हमें भी 9 बजे रात को पता चला था ये सब हो गया। आपके एक ही बेटे हैं? दो है, एक छोटा एक बड़ा, ये बड़ा था। अच्छा ये बड़े थे। अच्छा तो आप 3 महीने से लगातार हॉस्पिटल आ रही हैं? बिल्कुल, मैं कितनी बार आई, मैंने नंबर पे फोन किया, मेरे पास रिकॉर्ड है सारे इनके, जो रिकॉर्डिंग बोली है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इस महिला को इंसाफ, आकाश हॉस्पिटल, आकाश हॉस्पिटल। देखिए अभी आपको बता देते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंच गई है, परिवार के लोगों ने ही पुलिस को फोन किया है, और पुलिस के मौके पर आने पर ये जो मेन रोड है जी ठीक पीछे आकाश हॉस्पिटल है, और आकाश हॉस्पिटल के सामने जो सड़क जा रही है इसको पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। देखिए ट्रैफिक भी लग चुका है, और ये परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ये देखिए मैं एक बार बातचीत करती हूँ कि आखिरकार, अच्छा यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? मुझे आकाश हॉस्पिटल वालों ने बुलाया था कि आ जाओ, लेकिन अब मैं आई तो बाहर भी निकल के नहीं आ रहे हैं। मुझे केजरीवाल जी का जवाब चाहिए कि वो क्या इसके खिलाफ अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। जब तक कोई नहीं आ जाता मैं यहीं बैठी रहूंगी, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं नहीं यहाँ से हिलूंगी बिल्कुल भी, बिल्कुल। लेकिन लेकिन
से, कोई नहीं बाहर निकल के नहीं आया। आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ खड़े खड़े, हम सबको यहाँ खड़े खड़े, तो हम यही बैठे, बाहर निकल के आओ, हमें जवाब दो इस बात का आके। अच्छा आंटी जी, आप लोग भी, आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कुछ हुआ है पूरा? अरे हमें इंसाफ चाहिए, और क्या कहना चाहिए, हमारा बंदा, हमारा लड़का यहाँ पड़ा था, यहाँ से भेज दिए, वहाँ सब भीड़ लगी है, हॉस्पिटल वाले ने वापस बाहर नहीं देखा क्या हुआ नहीं हुआ। अरे तो सरकार तो देखे, कम से कम योजना बनाया तो उसका कुछ का लाभ तो उठाए, इसी रोड पे हुआ था, इंसानियत का है। आती है पर मिलती नहीं है, योजना तो काफी है पर मिलती कभी किसी को नहीं। बच्चों का कौन देख रहा करेगा, कुछ तो कुछ इंसाफ चाहिए इनका, अगर इंसानियत है तो इंसाफ करे, इंसाफ चाहिए, इंसाफ और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए इनके, इनके बच्चों के साथ इंसाफ। बूढ़े माँ बाप है कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चे ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? एक छोटा बच्चा है, इंसाफ तो चाहिए ना। देखिए अभी यही कहा जा रहा है कि योजना तो बनाई जाती है लेकिन योजना के बदले जो इंसाफ है या फिर योजना को जो लाभ है वो नहीं मिल पाता। आप देखिए पूरी सड़क जो है, रोड पूरा जाम हो चुका है, ये देखिए कितनी लंबी जो रोड है जाम हो चुका है, पुलिस यहाँ पर पुलिसकर्मी लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। बीते 3 महीने से ये लोग आकाश हॉस्पिटल आ रहे हैं लेकिन आज पानी सर के ऊपर चला गया है और आज ये लोग इसी तरीके से सड़क पर बैठ गए हैं। पुलिसकर्मी साफ तौर पर आपको सामने नजर आ रहे हैं, पीसीआर कॉल भी इन्होंने करी थी, पुलिस बार बार इनको हटा भी रही है लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस देखिए किस तरीके से धक्के मुक्की भी सामने कर रही है, एक बार तस्वीरें हम अंदर की दिखाएंगे आपको। अंकल जी बहुत शर्मिंदगी की बात है, कल को अगर आपका बेटा गुजरा होता तो आप क्या जवाब देते? हाथ इस बहन को जोड़ो जिसका पति गुजरा है, जिसका बेटा गुजरा है, जिसका बाप गुजरा है। बहुत रोज है आप बैठे कुछ सकते हैं, बहुत रोज है। एक मिनट प्रशासन नेता बिक जाए तो इंसान को रोड पे उतरना पड़ता है। हमारा आदमी इसी रोड पे मरा था, हमारा भाई को बुला दो, हम रोड छोड़ देंगे। 5 लाख का इलाज उधर किस बात का होता? कहाँ गए 5 लाख? क्यों मर गए हमारा बंदा? आज साथ चल, हमारे साथ भी होएगा तो कहाँ जाएंगे हम? अरे आज तो हम उठ गए और जो लोग उठते नहीं उनको तो मर के दफनाए भी जाते हैं। हाँ जब हमारा मरेगा ना, जब आपका मरेगा, ये जो पब्लिक हाथ जोड़ने आ रही है ना कि रोड खोलो, उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। अब कहा गया केजरीवाल कहाँ बैठा है? बैठा होगा कहीं नेतागिरी में, ऐश कर रहा होगा, वोट मिल गया ऐश ले रहा है, झाड़ू हमारा है, हमारे घर में झाड़ू लग गए हैं। आओ सर, पवन कुमार जी, ये पवन कुमार जी हैं, ये कह रहे हैं कि हम फैसला करवाएंगे। क्या पवन कुमार जी हमारे साथ आएंगे एंट्रेंस के गेट पे? ये नितिन कुमार जी है, ये पवन कुमार जी पकड़ा इनके हाथ में, हाँ बालक है, ये नितिन कुमार इंस्पेक्टर जी है, 3 स्टार है सर। देखिए अभी कितने स्मार्ट हैंडसम पुलिस मैन हमारे साथ देंगे, कितनी अच्छी बात है, पुलिस हमारे साथ है तो हमें किसी बात की टेंशन नहीं है। हम फोन नंबर पे कॉल करते, एक बार ही नहीं आते, उन्होंने फोन किया 10 बार आ गए। देखिए हम वहाँ खड़े थे, कोई पुलिस वाला नहीं था, आकाश हॉस्पिटल का फोन किया तो सारी पुलिस आई। आईओ का है, आईओ फिर से तस्वीरें दिखाएंगे, बार बार पुलिस मौके पर से, जो ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जो सड़क
गुस्सा है कि बार बार जो स्थानीय लोग हैं ये पूरी सड़क को जाम कर ले रहे हैं। तस्वीरें हमारे सामने हैं, एक नहीं दो नहीं कई पुलिसकर्मी मौके पर आ गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, और पुलिसकर्मी ट्रैफिक तक को नहीं खाली करवा पा रही है। लोगों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा है कि उनको बाहर कार्रवाई होगी। मेरी बात सुनिए, तीन महीने से जब हमने कंप्लेंट नहीं करी गई, बोर्डर लिख कर तीन महीने से कंप्लेंट करी, पुलिस वालों के पास जाते हैं, पुलिस वाले कुछ नहीं कार्रवाई करते। अभी कह रहे हैं कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। एक मिनट, क्या विवेक मोंडाल, ये विवेक मोंडाला जी हमें एक इंसाफ देंगे क्या? ये हमें रिटर्न में देते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा? आप तो दीजिए रिटर्न में, आप दीजिए पहले कंप्लेंट। आप हमसे क्या? एक और कंप्लेंट नहीं दी है क्या? कंप्लेंट पुलिस वाले लिखते ही नहीं है। मैं जाती तो मना कर रही, तो कंप्लेंट लिखते नहीं है। नहीं नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो पानी सर से ऊपर चला जाता है तब कंप्लेंट की बात कही जा रही है। ये तीन महीने से पुलिसकर्मी कहां थे जब ये बार बार पुलिस स्टेशन जा रहे थे कंप्लेंट करने के लिए? आज जब यहां पर चक्का जाम कर दिया गया है तब ये लोग कह रहे हैं कंप्लेंट दीजिए, कंप्लेंट दीजिए। सोचिए उस परिवार को इंसाफ तीन महीने में क्यों नहीं मिल पाया? ये पुलिस कहां सोई हुई थी? आज जब चक्का जाम करने पर परिजन मजबूर हो चुके हैं तब कहा जा रहा है कि कंप्लेंट दीजिए, कंप्लेंट दीजिए, आप पर कार्रवाई जरूर होगी, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। कितनी बड़ी लापरवाही है। शायद अगर तीन महीने पहले जो कंप्लेंट अब तक रजिस्टर नहीं की गई है, जो FIR नहीं लिखी गई है, शायद तीन महीने पहले ये पुलिस कर्मी लिख लेते तो आज उस परिवार को इंसाफ मिल चुका होता, उन दोनों बच्चों को के ऊपर से जो उनके पिता का साया उठ गया है, उस पिता को इंसाफ मिल चुका होता, उस माँ को इंसाफ मिल चुका होता। जो आज माँ अकेले वहाँ पर लड़ती नजर आ रही है, इस हॉस्पिटल के खिलाफ लड़ रही है। क्या कह रहे हैं? हमारे शोर मचा रहे थे, पुलिस आई है तो शोर मचा रहे थे, आकाश वाला भी बाहर आएगा। ये बहाना लेकर आई एम्बुलेंस है, तब कहते जब इंसान हमारा मर गया। प्रीति जी, तीन महीने पहले FIR हुई या नहीं? मैं जाती थी उस पुलिस स्टेशन, वो कहते थे हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हम FIR नहीं लिखेंगे, मेडिकल काउंसिल को। यही लोग थे? नहीं, ये लोग नहीं थे, दूसरे थे, ये आ जाए, बट मुझे इन पे भरोसा नहीं। जब एक पुलिस वाले सारे कर सकते, मेरा कहना ये है पुलिस वालों ने FIR की ही नहीं। पुलिस वालों ने इतनी देर से पुलिस वाले कहाँ गए थे? बड़ी शर्म की बात है, प्रशासन पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कितने किलोमीटर दूर तक जो है ट्रैफिक जाम लग चुका है। अब तीन महीने से धक्के खा रहे हैं इनके, लेकिन तीन महीने से ये बंदा बात करने को तैयार नहीं है, बदतमीजी करता है, फोन पर उल्टी सीधी बातें करता है, किसके जाके इंसाफ मांगे? आज वोट मांगा आप लोगों से, गिनती है हमारा थोड़ा साथ दे, मीडिया वालों से भी, आम पब्लिक से भी, आप लोग साथ दोगे ना तो हमारे भाई को इंसाफ मिलेगा। आज हमारा गया है तो किसी और का भी जा सकता है। हॉस्पिटल वाले बाहर आके हमें जवाब दें कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, जब 5 लाख तक की सरकार ने योजना दे रखी है तो उसके ऊपर वो काम क्यों नहीं करा उन्होंने? आपका पुलिस डिपार्टमेंट कहता है हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हम FIR नहीं ले सकते। सेक्टर 17 का IO है भरत लाल, उसने मुझे बोला उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कोई गाली मैं कराऊंगा हॉस्पिटल का, जो भी हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं? अगर चलो ना वहाँ पे गेट पे सवाल जवाब तस्वीरें जब पुलिस ने वहाँ से हटा दिया तो वापस से ये लोग आकाश हॉस्पिटल के दरवाजे पर आ गए हैं, और दरवाजा पूरी तरीके से अंदर से बंद कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से, एक बार आ गया इधर कैमरा इधर, ये देखिए यहाँ से दरवाजा, एक मिनट साइड हुई थी, ये देखिए ये तस्वीरें हैं साफ, देखिए आकाश हॉस्पिटल है, आकाश हॉस्पिटल के बाहर परिवार इस वक्त यहाँ खड़ा है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मेरी बात सुनिए, मेरा कहना ये, मैं हम रोड पे धरना दिया तो पुलिस वालों ने बोला चलो आप यहाँ से, मैंने कहा आकाश सब लोग यहाँ, बोला हमारे पास क्यों? तो इनका कहना है चलो हम बात करवाते, हम रोड से उठ के यहाँ आ गए, अब आकाश फिर भी नहीं बुला रहे, बात तो करवाया, गेट बंद करवा दिया इन लोगों ने, खुद जाम पूछ के हॉस्पिटल वाले बंद कर दिया, रोड फिर हम जाम करेंगे, ये लोग खुद रोड जाम करवाना चाहते हैं पुलिस वाले। क्या जवाब दूँ? सीनियर अफसर आ रहे हैं वो बताएंगे, सीनियर अफसर आ रहे हैं, हमारे अफसर आ रहे हैं वो देखेंगे। आप लोगों ने क्यों बताया था?
आपने क्यों उठाया? लड़ाई नहीं है, किससे कोई लड़ाई नहीं है, रोड वाले से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आकाश को बाहर बोला, वो यहाँ बैठे बाहर नहीं आ सकते। सीन मतलब वो इतने वीआईपी है कि हम लोग भी सीनियर का वेट कर रहे हैं, सीनियर आएगा बुलाएगा, जब वो बाहर आएंगे हमारे पास पैसे नहीं, उनके पैसा सिर्फ इसलिए वो इतने वीआईपी है कि सीनियर उनके लिए आएगा। आप लोग कुछ नहीं करते, तीन तीन स्टार्स लगे हुए हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्या? पुलिस वाले भी आकाश हॉस्पिटल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चुपचाप खड़े देखो मैं कहा से की बात विश्वास करूं, कैसे इंसाफ मुझे मिलेगा? कह रहे सीनियर आएंगे, तीन स्टार वालों कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, बताओ मैं क्या करूँ, मैं बताओ कहाँ जाऊँ, मैं बताओ मुझे आम जनता के मेरे नहीं, कोई एफ आई आर नहीं हुई है, मैं चक्कर काटती थी पुलिस स्टेशन के, बट एफ आई आर नहीं हुई है कोई अभी तक। ये लोग मना करते थे कि एफ आई आर हम नहीं करेंगे, पुलिस को कह रहे हैं क्या? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, एफ आई आर है ही नहीं इनके पास, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं पुलिस वाले, एक्सीडेंट की नहीं। आपने आकाश हॉस्पिटल की कंप्लेंट डाली? आकाश हॉस्पिटल की हम कंप्लेंट करने जाते थे, बट आकाश हॉस्पिटल के खिलाफ ये लोग एफ आई आर लिखते ही नहीं थे। मुलजिम अरेस्ट नहीं है, मुलजिम बाहर घूम रहा है, बाहर आराम से, मुझे नहीं पता सर ने बोला अरेस्ट है, सर ने ये नहीं बोला कि तो आपने बोला अरेस्ट है, वो कह रहे हैं नहीं है, अवेलेबल ऑफेंस है, बेल दे दी उसे, तो आप ये बोलते ना अरेस्ट हुआ था, आप कह रहे हो अरेस्ट है, अरेस्ट है हमारी फाइल में, अरेस्ट है कागजों में, मुझे फाइल में नहीं ना, रेस्टोरेंट से काम चल जाता है। हां और क्या, कागजों में अरेस्ट होता है। अच्छा, अगर इनके पास समय नहीं था तो सिटी स्कैन क्यों किया, और अगर सिटी स्कैन करा तो उसकी रिपोर्ट सफदरजंग के इनका बंदा क्यों नहीं लेके खड़ा हुआ? वो लेडीज आती हैं और ये बोलती हैं कि मुझे सिटी स्कैन की रिपोर्ट दिया जाए, मैं आगे करूं। जब तक सर ये उसका भी पैसा लेते हैं लोग, उसका भी पैसा ले रहे हैं ये लोग, कहानी खत्म। इतनी इंसानियत भी नहीं थी इनके पास? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए मेरी बहन को। यहाँ पे आओ तो वो कहते हैं पुलिस वाले हो, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, हम सबको देख ले सर, एक गरीब इंसान। आपको पता है तीन महीने से एक लेडीज, महीना मतलब ये लगा लीजिए एक महीना, तो आपको पता है जिस लेडीज के ऊपर से पति का साया गुजर जाए 15 से 20 दिन तो वो सदमे में ही रहती है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा होश आता है कि हाँ मैं एक्शन लूँ, अपने बच्चों के खिलाफ खड़ी हूँ, क्योंकि एक महिला का खुद का वो भी होता है रिस्पेक्ट होता है कि यार मेरे को तो अपने बच्चों के लिए खड़े होना, इसी दुख में नहीं जीना। आधी आधी लेडीज तो उसी दुख में मर जाती है कि यार मेरा पति गया तो सब कुछ खत्म। एक ब्रेव लेडीज ने अगर साथ दिया तो पुलिस वाले कहते हैं हमें पता नहीं, प्रूफ दीजिए, एफआईआर करने के लिए वो बेचारी तीन महीने से धक्के खा रही है। सोचिए जिसमें सवा महीने में तो घर से गोड्डे नहीं लोग टेकने आते हैं, घर में आके बैठक होती है कि हाँ अफसोस होता है, वो बेचारी पुलिस के हॉस्पिटलों के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी भी कोई इंसाफ नहीं, अभी भी हॉस्पिटल से एक भी बंदा अंदर से नहीं आता है, पूरी विश्वास पारक पूरा राजापुरी इकट्ठा है, इंसानियत सब में है, लेकिन इधर की पुलिस और इधर के प्रशासन किसी के पास इंसानियत खत्म हो चुकी है। वो कहते हैं पुलिस कहती है हमें योजना का नहीं पता, वो कहते हैं कि हमने सिटी स्कैन कर दिया, तो सिटी स्कैन की रिपोर्ट कहाँ है? 70 बेडों का प्रूफ कहाँ है? दे दिया और दो दिन बाद वो हमें छोड़ के चले गए, दो दिन वो वेंटिलेटर पे रहे। अब हमारा इनसे कहना कि आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया, तो एक पेपर देते हैं, ये कहते हैं कि बेड नहीं है, मैं कहती हूँ ठीक है आपके पास बेड नहीं है, सर मीडिया है आप कुछ नहीं कह सकते, सर नहीं मीडिया मैडम आप क्यों बातें बता रही है, तीन महीने पहले पुलिस कर्मी क्यों बता रहे हम इनको, एक के बाद एक सुन रहे हैं, अभी इनके बाद क्या हो रहा है, अभी हमारे साथ ये चंदा सिंह जी हो गए, ये पीछे सर हो गए, ये SHO जी हो गए, संजीव जी हो गए, एक के बाद एक को हमें के बाद सर उनको बाहर चाहिए, मैं पागल हो चुकी हूँ। एक्चुअली इसका पति गुजर चुका है, तीन महीने से एक एक पुलिस वाला आ रहा है, इंसाफ मांग रहा है कि कब ये बेहोश हो, कब पब्लिक इकट्ठे हो, ऑमलेट मारे और केस कर दे फाइल, ये कोई केस का इंतजार कर रहे हैं, एक औरत की वो नहीं सुन रही, इनको बिठाना चाहिए बचाओ, पिछले तीन घंटे से वो बच्चे रोड पे लेके, हम पब्लिक, हम सारी लेडीज, जो सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है, एक ये लड़की है छोटी सी जिसको बाप तक बोलना नहीं होता, बाप का साया आकाश हॉस्पिटल के कारण गुजर, ठीक है हम नहीं कहते कि आकाश हॉस्पिटल जिम्मेदार है, क्या फिर ये जिम्मेदार है या ये बच्चा जिम्मेदार है? आप मेरे को बता सकते हैं इस चीज का जवाब? प्रशासन पुलिस किसी के पास है? अभी यहाँ से एक बंदा आता है जो मुझे कहता है अभी वो गायब हो गया कि आप फैसला कर लो,
क्या जान की कीमत 1-2 लाख रुपए हो गई है? क्या पूरी जिंदगी मुझे हॉस्पिटल से फोन आता है मिस्टर दीपक का, वो ही कहते हैं कि मिल लो मिल लो। जब तक उनके पेशेंट नहीं आया था तब तक तो इंतजार तो करते या कुछ तो करते उसके साथ, पैसे तो बताते तो सही। यहाँ अंदर पैसा कोई नहीं बोल रहा, लेकिन सेटलमेंट कर लो। किस चीज की सेटलमेंट कर ले? बंदा दे दो हमारा, सेटलमेंट को तैयार है हम। अरे पीठ पीछे आ रहे हैं, सरकार के आगे आओ, आपको सेटलमेंट करनी है? सेटलमेंट हमसे तो पूछो, हमारा बंदा गया, हमें सेटलमेंट चाहिए, क्या इंसाफ चाहिए? आज हमारा गया है कल को, ये लेडीज है सेटलमेंट का बहाना, कोई सेटलमेंट हम अकेले में नहीं करेंगे, जो बात होगी मीडिया के सामने होगी अब। हाँ, और ये देखो मीडिया को भी धक्के मारे जा रहे हैं। मैम आप जो हमारा वो ले रही हैं, आपको भी 2 बार पुलिस वालों ने हाथ मार के हटा दिया गया। सर जब सरकार पुलिस मीडिया एक दूसरे के ही नहीं है तो हमारा कौन है सर, हमें बता दीजिए। नहीं है तो इस अकेली लेडीज को कौन क्या दे देगा यहाँ से? कौन सा इंसाफ? 3 महीने से चक्कर लगा रही हूँ, 3 महीने से ये लोग मेरी सुनती नहीं, रोती भी हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, सब करती हूँ इनके सामने, मुझे धमकी देते कि जो करना है कर लो, आपकी जो करना है केस मुकदमा मीडिया जो करना है कर लो, हम सबका जवाब दे लेंगे। इनका कहना ये है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 10 मिनट ही पहले यहाँ से पूरी भीड़ को हटाया गया था, ये पूरा चक्का जाम था, और जैसे ही हटा दिया गया पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि आपको इंसाफ दिलाया जाएगा, आपको प्रशासन से जो अंदर अधिकारी बैठे हैं हॉस्पिटल के जो बड़े अधिकारी उनसे बात करवाया जाएगा और कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। लेकिन पुलिस की लापरवाही देखिए, यहाँ से उठाकर उनको वहां जरूर भेज दिया गया लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, जिसके बाद जितने भी परिवार के लोग हैं, जो परिजन है, जो पीड़ित परिवार है, वो वापस से गुस्से में आए और आप देखिए दोबारा से चक्का जाम कर दिया गया है। पीछे ट्रैफिक आप देख सकते हैं, भीड़ बार बार लगती जा रही है, लेकिन आकाश हॉस्पिटल की आप देखिए कि पूरा आकाश हॉस्पिटल कितना ज्यादा लापरवाही कर रहा है, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो नजर तो आ ही रही है, लेकिन प्रशासन का रवैया कैसा है, हॉस्पिटल का रवैया कैसा है, आप देख सकते हैं कि कोई भी अधिकारी जो है अस्पताल का वो बाहर निकल के परिवार से मिलने के लिए नहीं आया। आप ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से बार बार हटाया जा रहा है, बार बार ये बैठ जा रहे हैं, बार बार हटाया जा रहा है। ऐसे में ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है अस्पताल की, वो आए और परिवार से मिलें, आखिरकार बातचीत करें कि क्या ये समाधान चाहते हैं, क्या कुछ हुआ, जो भी इनकी क्वेरी है, जो भी इनको समस्या है, उस समस्या को इस अस्पताल का दायित्व बनता है कि उसको सुना जाए। पब्लिक को धमकी दी जा रही है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, पुलिस वाले नहीं मिले हुए हैं सारे, और जिनके पास पैसा है उनकी बात सुनी जाती है, उन्हीं की तरफदारी की जाती है, आम पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं। धमकी दी जा रही है कि तुम्हें बंद कर देंगे, अभी थोड़ी देर में आएंगे तुम्हें उठा के ले जाएंगे, इस तरीके से बोला जा रहा है। ये देखिए हाथापाई, ये देखिए पुलिस किस तरीके से हाथापाई कर रही है, इंसाफ तो दिला नहीं पा रही है लेकिन हाथापाई जरूर हम सामने कैमरे में देख सकते हैं। दिखाएंगे जो तस्वीरें आप हमारे कैमरे में देख रहे हैं कि अभी पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया गया था और अब चक्का जाम पूरी तरीके से खोल दिया गया है और दरवाजा हम आपको सामने दिखाएंगे, ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये दरवाजा जो है खोल दिया गया है आकाश हॉस्पिटल का और परिवार से कहा जा रहा है कि आपको मिलने का मौका दिया जाएगा और अभी पूरा परिवार अंदर। एक मिनट कुछ बात हमें भी सुननी पड़ेगी, ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है। मैं और भी मेरे 2-3 लोग होंगे। विकास देखिए, अभी जो परिजन है, जो पीड़ित परिवार है, उनको अंदर बुलाया गया है, तस्वीरें से मिलवा रहे हैं, अभी देखो अंदर जाके पता चलता है कि किससे बुलाते हैं। जो मैं कह रही थी कि ये हॉस्पिटल वाले नकार रहे हैं कि हमें नहीं पता क्या हुआ, कौन लेके गया, किसने छोड़ा, ये सारी चीजें मैंने उनको बोली, लेकिन अब हॉस्पिटल वाले मान रहे इस बात को, कह रहे हैं बिल्कुल अपनी गलती मान रहे हैं बंदर, हाँ बिल्कुल गलती मान रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ, उनकी गलती मानने से अब क्या फायदा मुझे, अब तो मेरा तो हस्बैंड चला गया ना, तो आप पुलिस वाले भी हैं वो कह रहे हैं कंप्लेन लिखवाओ, लेकिन मुझे तो डर लगता है, पता नहीं मतलब अंदर से लगता है कि पता नहीं पुलिस वाले भी साथ देंगे नहीं देंगे क्या, तो सभी मीडिया वाले से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, बार बार कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, क्योंकि जब तक मीडिया में मामला नहीं आता जब तक ऐसे हॉस्पिटल वाले के अकल ठिकाने नहीं आती। आगे क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? कार्रवाई वो ये कह रही कि रिपोर्ट लिखवा दो जी, बस वही कह रही रिपोर्ट लिखवा दो अच्छे से लॉयर से अपने। जब नहीं लिख रही थी लेकिन आज वो कह रही कि रिपोर्ट लिखवा दो, आज लिखने के लिए राजी है, हंगामा करने के बाद लिखने को राजी हो गई है। वो कह रहे हैं कि मेडिकल काउंसलिंग जाना, ये करना, वो करना, लेकिन मेडिकल काउंसलिंग में आप रिपोर्ट लिखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं चलो लिखवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर मुझे लगता है कि 1-2 दिन में कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे पास आए, मेरा इंटरव्यू लिए, मेरी बात समझे, लोगों तक मेरी बात पहुँचाए,
क्योंकि मैं ऐसे अपनी बात लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाऊंगी ना कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। फिर वही चीज, हर जगह पैसा चलता है, बात तो वही है, फिर मैं पीछे रह जाऊंगी, कोई साथ नहीं। तो सब लोग मेरे साथ दे प्लीज, पूरी मीडिया, पूरी आम जनता, लोग सबसे हाथ जोड़ के बार बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे साथ दीजिए। मैंने अपना नंबर यहाँ पे आपको शेयर किया है सबको, 9818249126। तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहते, क्या करना चाहिए, मेरे साथ दीजिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, अभी मैं जैसी थी वैसी ही, अभी मुझे कोई संतुष्टि अभी नहीं। उन्होंने बोला है कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन मुझे भरोसा नहीं। जो इंसान एक एक्शन दीपक जी के खिलाफ एक्शन लेंगे, वो ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है ले भी, लेकिन मुझसे उससे क्या, मेरे तो हस्बैंड चले गए ना, अब किस चीज से एक्शन। सिर्फ उन्होंने वर्डिंग की कि हम एक्शन लेंगे, दीपक जी को तो हम देख लेंगे, उसका टेंशन, मतलब ये नहीं बोला किस तरीके का एक्शन लेंगे, सिर्फ बोला एक्शन लेंगे। अंदर मैं मौजूद थी, मेरे दो भाई और एक ये दीदी है, ये मौजूद थे, और मेरे दो बच्चे, बस अंदर हम टोटल चार लोग। नहीं, मैं क्या संतुष्ट, अंदर कार्रवाई से क्या संतुष्टि होगी, क्या संतुष्टि, अंदर कैसे संतुष्टि मुझे मिलेगी। वो कह रहे पुलिस पे कंप्लेंट लिखवाती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं होता। फिर केजरीवाल से भी दुखद है कि मेरी बात सुने और मुझे इंसाफ देना है प्लीज, इस हॉस्पिटल के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये कुछ बोला ही नहीं। दीपक जी के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो बिल्कुल होनी चाहिए। दिल्ली सरकार से मेरी अपील ये है, हाथ जोड़ के बार बार, के ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल को तो चलने का भी अधिकार नहीं है। आकाश हॉस्पिटल है सेक्टर 3 में, द्वारका में, आकाश सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। ये बोट भी मिल जाते सब कुछ, लेकिन ये योजनाएं देखिएगा कौन के कौन योजनाएं लागू कर भी रहा है, नहीं चल रही है। अब उनकी कंप्लेन जा रही है मीडिया के पास, केजरीवाल जी हैं, जो भी आम सरकार के जो भी हैं, इसको देख रहे होंगे, जाहिर सी बात देखिए, इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। अब क्या चाहते हैं, मुझे लगता है ऐसे हॉस्पिटल को तो बंदी करा देना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। देखिए अभी प्रीति अंदर से बाहर आ चुकी है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी अंदर उनसे बातचीत हुई है उससे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। पुलिस प्रशासन साफ तौर पर कह रहा है कि अब कंप्लेन लिखी जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि बीते 3 महीने से ये वही प्रीति है जो बार बार हॉस्पिटल और साथ में पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही थी। तब पुलिस प्रशासन कहा था, तब ये अस्पताल का प्रशासन कहा था, तब क्यों कार्रवाई नहीं की गई। अब ये प्रशासन अपनी गलती मान रहा है, थाने की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी कंप्लेन लिखी जाएगी, और ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि दीपक जिन्होंने इनके साथ बदतमीजी करी है, जो परिजन है, जो पीड़ित परिवार है, उनके साथ जो भी बदतमीजी की गई है, उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप सोचिए, ये अस्पताल इतना बड़ा है, एक बार कैमरे करके दिखाएंगे, आकाश हॉस्पिटल जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, इस हॉस्पिटल की इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि एक व्यक्ति जो कि इस दुनिया से चला गया है, उसके पीछे अपने 2 बच्चे छोड़कर चला गया है, वो माँ किस तरीके से किस हालत में होगी आप सोच सकते हैं। और आज ये जो हॉस्पिटल है उसकी जो कार्रवाई है, जो अंदर अभी बातचीत हुई है, उससे भी प्रीति सेटिस्फाई नहीं है। अब आगे देखना होगा कि क्या दीपक जिन्होंने प्रीति से बदतमीजी की है उसको क्या वो नौकरी से निकालते हैं या फिर नहीं निकालते। शायद हो सकता है कि ये पहला मामला ना हो, इससे पहले भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो फरिश्ते योजना की तरफ से यहाँ आए हों, उनके साथ भी कुछ इसी तरीके के हालात रहे हों। हो सकता है उन्होंने आवाज ना उठाई हो, लेकिन आज प्रीति ने आवाज उठाई, लेकिन अभी भी कोई समाधान नहीं निकला है। अब देखना ये होगा कि क्या इस आकाश हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या ये योजना के खिलाफ, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, क्या ये सब कुछ होता है, या फिर इसी तरीके से जो अभी तक पेशेंट आते हैं कार्रवाई नहीं होती है, मामला दबा दिया जाता है, इसी तरीके से होगा, क्या प्रीति को इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। हमारे साथ जरूर जुड़िए, और जिस तरीके से अभी जो पूरा मामला हुआ है इस पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि इस हॉस्पिटल के खिलाफ क्या कुछ होना चाहिए। इस हॉस्पिटल जो ये पूरा प्रशासन है हॉस्पिटल का, उनके जो अधिकारी हैं, जो पेशेंट के साथ, उनके परिवार के परिजनों के साथ जो बदतमीजी करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बात कही जा रही है कि दीपक जो इसी हॉस्पिटल का काम करने वाला व्यक्ति है उसको क्या नौकरी से निकाल देना चाहिए, तो जो भी राय है अपनी जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलकू दिल्ली।